राजधानी रांची से 55 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है लतरातु डैम। यह बेड़ू प्रखंड में आता है और यहाँ पे दर्शकों और पर्यटकों के लिए काफ़ी असीम संभावनाएं हैं। अभी पिकनिक का माहौल है और जनवरी में सभी लोग अपने परिवार के संग वनभोज करने इधर उधर जाते हैं। ऐसे में लतरातु डैम इस क्षेत्र के लिए एक नया विकल्प और बेहतर विकल्प है, जहां लोग आते हैं परिवार के साथ, पिकनिक मनाते हैं, साथ ही साथ वोटिंग का भी मज़ा लेते हैं। यहां पे आने के बाद आपको लगेगा कि प्रकृति के गोद में हम रस बसे हैं और सारा जो आपका थकान है, टेंशन है, वो दूर हो जाता है। इस तरह के प्राकृतिक में बसे लतरातु डैम में, जहाँ पर्यटकों के लिए काफ़ी नए दृश्य और असीम संभावनाएं हैं, वहाँ रोज़गार के भी कई आयाम साधन खोले जा रहे हैं, जहाँ बच्चों के लिए झूले, ओपन जिम और परिवार संग वोटिंग का मज़ा और लुत्फ़ उठा सकते हैं। वहीं कई लोग अपने साथ साउंड बॉक्स ले जाते हैं, जिस पे थिरकते नाचते नज़र आते हैं। जहाँ बच्चों के लिए शहर के आवाधावी और दौड़ भाग वाली ज़िंदगी से सुकून मिलता है, वहीं लोगों को स्वच्छ वायु और स्वच्छ वातावरण में वनभोज का आनंद लेते हुए देख सकते हैं। खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता मनीष के साथ। हम अभी लतरातु जलाशय आए हुए हैं। देखिए, हमारी सरकार अथक प्रयास कर रही है कि हमारा जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया डेवलप किया जाए, तो उसका एक जीता जागता उदाहरण है। आप लतरातु डैम आइए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से सरकार अथक प्रयास कर रही है कि ये एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हो, और ये काफ़ी हद तक यहाँ साकार भी दिख रही है। आज लोग यहाँ आते हैं, भ्रमण करते हैं, और यहाँ बहुत सारे व्यवस्थाएं भी है जो आप इसका आनंद ले सकते हैं, जैसे बोटिंग वगैरह घूमने के लिए। यहाँ पे कुछ खाद्य सामग्री भी आपको मिल जाएंगे, जो आप यहाँ पे भोजन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं हैं और आप कैसे आप यहाँ भ्रमण कर सकते हैं। देख रहे हैं कि लतरातु डैम का ही नज़ारा है, शायद आपको समझ में नहीं आएगा, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है, एक पिकनिक स्पॉट है और लोग इसका काफ़ी आनंद ले रहे हैं चारों। देखिए मेरे पीछे, आप अगर बोटिंग करना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं व्यवस्था को, यहाँ से आप बोटिंग कर सकते हैं डैम में। जहाँ देख रहे हैं कि कुछ बोटर लोग हैं, बोटिंग कर रहे हैं, नाव का आनंद ले सकते हैं। कुछ चार्जेज हैं यहाँ पे, उस चार्ज लगेंगे, उसके बाद आप नाव का आनंद ले सकते हैं। देखिए वहाँ पे भी हैं कुछ लोग जो बोटिंग कर रहे हैं, जैसा कि आपको नज़र जा रहा होगा नहीं। और काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। ये इस पर्यटन स्थल में एक गेस्ट हाउस का भी निर्माण किया गया है, जहाँ पे अगर दूर दराज से आए हुए लोग हैं, कोई अधिकारी हैं, तो यहाँ ठहरते हैं। और पर्यटक हम लोग लोकल के लिए बहुत अच्छा है, दूर दूर से भी पर्यटक आए, और यहाँ सुविधा बहुत अच्छा, पहले की अपेक्षा बहुत बना हुआ है, और सरकार इस पर्यटक स्थल में ध्यान दे रही है, और बोटिंग करने में बहुत ही अच्छा आनंद आता है। हम लोग का क्षेत्र में एक बहुत ही खूबसूरत जगह लतरातु डैम और साई मंदिर ढगारी, ये पर्यटक स्थल विकास के दौर पे चल रही है। आप तो यहाँ बहुत पहले से जान रहे हैं इस क्षेत्र को, तो आप बताइए ये कब से ये शुरू हुआ, ये सिलसिला जो यहाँ को डेवलप किया गया इस जगह? यहाँ 2-4 साल से डेवलप का काम चल रहा है, उससे पहले तो जो था जैसे था वैसे था, लेकिन अभी 2-4 साल से यहाँ विकास का काम चल रहा है, और हम चाहते हैं कि आगे भी इसका डेवलपमेंट। इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा है कि नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है पर्यटक के लिए। हाँ, पर्यटक के लिए बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। अच्छा बताइए आपका नाम क्या है? लवली गुप्ता। आप भी तो देख रहे थे कि बहुत आनंद ले रही थी, है ना, तो आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर क्यों लगेगा, हम पिछले भी आ चुके हैं, पिछले बार भी आ चुके हैं, तो हमारे क्षेत्र में जो है ये विकास है, सरकार जो है ध्यान दे रही है, तो इसे आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पर्यटन लोगों को आप क्या कहना चाहिए? यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिकनिक स्पॉट के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है, लोग यहाँ आकर के अगर पिकनिक मनाए तो। आपका नाम क्या है? अमर प्रसाद गुप्ता, बेड़ो का निवासी है। आप यहाँ आए हैं, बहुत आराम से बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा से साईं ग्राम गए थे, वहाँ का दर्शन किए, आरती लिए, खिचड़ी खाए, प्रसादी खाए, लतरातु डैम आ गए बोटिंग के लिए, यहाँ बच्चे लोग पिकनिक के लिए आ गए,
तो आप इसको कैसे देखते हैं जो पिकनिक स्थल पर्यटन स्थल के रूप में जो डेवलप हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। हाँ, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा। सब यही पर सब लगते हैं नेता लोग आए थे। हाँ हाँ ना, जितने विधायक लोग हैं उनके झारखंड के। तो आप इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं? पॉजिटिव, आपका एरिया का ही डेवलपमेंट बहुत अच्छा। तो ये अमर गुप्ता जी हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा सरकार का ये कदम है, अगर ऐसा रहा तो हमारा क्षेत्र का विकास होगा और हम तो और कहीं दूसरी जगह फिर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा क्षेत्र ही ऑलरेडी डेवलप रहेगा लोकल लोकल में। तो हम लोग कभी भी आ सकते हैं और अपना स्ट्रेस को यहाँ दूर कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारे जो आप देख रहे हैं यहाँ बोटिंग जो करवाते हैं उनके ड्राइवर साहब हैं और इन्हीं के संरक्षण में जो 3-4 बोट है यहाँ पे वो अभी संचालित हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ लोग आते हैं तो इनसे हम जानते हैं कि अभी क्या स्थिति है। बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशोक मीन है। अशोक मीन जी, बताइए अभी कितने पर्यटक लोग यहाँ आ रहे हैं जो बोटिंग वगैरह कर रहे हैं? पर्यटक तो सर बहुत ही आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं यहाँ। थोड़ा बोट का थोड़ा रेट ज़्यादा होने के कारण से बहुत कोई नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं ना, तो थोड़ा सा रेट ज़्यादा आपको लग रहा है? जी जी, सभी को यहाँ बोलता है जितना घूमने के लिए आते हैं वो लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा रेट है बोल के। तो इसके लिए आप नहीं, आप वीडियो साहब से नहीं बोलने कि ऐसा थोड़ा सा कम किया जाए रेट को? सर अब मालिक तो यही लग है, वही लगने जाने का, यानी जो ठीका ले चुके हैं वही ये करवा रहे हैं। जी जी, जो साईं ग्राम मंदिर जो है उससे 2-2.5 किलोमीटर पूरब में अवस्थित है यह डैम की खासियत है। देखिए यहाँ पे सरकार जो है बहुत प्रकार की यहाँ पे संभावनाएं उसको दिख रही है इस डैम में और इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में हमारी सरकार डेवलप कर रही है। यहाँ पे अब लोग आते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं और ख़ास करके पिकनिक वाले दिन यहाँ काफ़ी भीड़ रहता है। तो जो दर्शक हैं, जो पर्यटक हैं, वो आना अगर चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं और ये यहाँ पे पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। देखिए दूर दूर तक एक मनोरम दृश्य है, ज़रा देख सकते हैं मेरे आगे ये। तो आप ज़रूर आइए, अवश्य आइए और यहाँ पिकनिक मनाइए, इसका आनंद लीजिए।